असल दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आशिर रहमान हमने एक किताब शुरू की है जिसका नाम है आस जिसकी मुसनफ हैं असमा तारिक साहिबा तो हमारा गुज़िस्ता चैप्टर था बिखरे लफ्जों से दास्तान चलिए अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं बिछरा कुछ इस अदा से मैंने सुना था कि किसी एक शख्स के जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता मगर मैंने देखा है कि कभी कभी उसी एक से सब कुछ जुड़ा होता है इस और उसके जाने से सब बिखर जाता है बाबा बहुत रहमदील इंसान थे वो ऐसे थे कि रास्ते में कोई अनजान भी मिल जाए उसने अगर मदद की कोई दरख्वास्त कर दी तो वो उसकी मदद में अपना सब सब भी दे देते दे माएँ चीज़ों को बड़ा संभाल कर रखती हैं और इसके लिए वो थोड़ी सी कंजूस भी कंजूसी भी करती हैं ये तो हम कहते मगर उनके बकौल ये कफाय शायरी है क्योंकि उन्हें घर चलाना और संभालना है तो वो बेहतर जानती हैं अब मामा को अक्सर शिकायत रहती कि चीज़ तो मैं अभी आपके लिए लाई थी और आपने उसे किसी और को दे दिया तो वो हंस कर के थे यार चाड़न, फला मांग रहा था और मुझसे रहा नहीं गया वो ऐसे थे कि अगर अभी नए जूते खरीद कर लाए हैं और वो किसी और को पसंद आ गए और उसने मांग लिए तो फौरन उसे दे दिए और घर उसके पुराने जूते पहनकर आ गए मैंने उस शख्स को कभी अपने लिए लड़ते नहीं देखा मगर दूसरों के लिए उसे सबसे आगे खड़ा देखा है जान पर खेलते देखा है यारों का यार देखा है ऐसा यार के चराग लेकर भी ढूंढे तो नहीं मिलेगा बाहर से इतना मजबूत के मौत को भी हंस कर गले लगा ले और अंदर से इतना मासूम बिल्कुल बच्चों की तरह कि एक ड्रामा में उदास मंजर देख रो दे हम जब भी गांव जाते थे तो जैसे ही गांव का रास्ता शुरू होता तो रास्ते में मौजूद सारे माई बाबे हमारी गाड़ी में होते और हम हम पता नहीं कहाँ होते फिर वो उन्हें उनके घर के सामने उतारते और बाद में अगर मामा पूछती कि आप उन्हें जानते थे तो कहते नहीं बस बेचारे बुजुर्ग थे तो बिठा लिया मामा कभी कभी खफा हो जाती कि ऐसे ही कोई किसी को जाने बगैर कैसे बिठा सकता है पर वो कब ऐसा सोचते थे हर किसी का वो बेटा और भाई था घर वालों से ज्यादा लोग इनका करते थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो साथ और साथ वाले लोग भी थे और वो भी फैमिली मेम्बर थे मगर दुनिया दुनिया थी कि हाथ उठाए तारिक को रब से मांग रही थी और फिर उनके इंतकाल की खबर मिली तो अपनों ने क्या रोना था जो दुहाई दुनिया ने दी इतने लोग उन्हें कंधा देने आए कि जगह कम पड़ गई घर वालों को पता ही नहीं कि कौन कौन लोग आए हैं जैसे सारी दुनिया ही आ गई हो मैं लोगों से सुनकर हैरान होती थी जब अनजान लोग बैठ कर कहते कि तारीख हमारा है और मैं सोचती रहती कोई किसी का कुछ ना होकर भी इतना प्यारा कैसे हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ उनका इखलास था जिस शख्स ने कभी माना ही नहीं कि दुनिया में कोई शख्स गलत भी हो सकता है वो कहा करते थे जो अल्लाह को मानता है उसके साथ अल्लाह कभी गलत नहीं होने देता इन्होंने हमेशा लोगों में आसानियाँ और खुदा ने जिंदगी में ऐसे ऐसे उन्हें सपोर्ट किया कि कोई मान ही नहीं सकता कि ऐसे मोर से अब कहाँ वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे बचपन में बचपन ने इन्हें इतना मौका नहीं दिया मगर हाँ अदब इतने के मुराद हो गए बुजुर्गों को इतना मानते थे कि अगर उनके आसानों पर चले जाते मामा कभी कभी डर जाती कि कहीं उन्हीं के पास ना चले जाएं और आखिर ये डर सच साबित हो गया और वो हमेशा के लिए चले गए इन्होंने लोगों से मोहब्बत करना सीखा था और मोहब्बत ही बांटी और बदले में मोहब्बत ही पाई हसद की ना फिर प्रस्ती चीज़ों का इन्हें पता ही नहीं था घर वालों के दुश्मन भी इनके जिगरी दोस्त होते और ये साहब इनके राजदार होते फिर जब वो गए तो दुनिया तो एक बार लग पता गया कि कोई गया है सितंबर आज भी चीख चीख कर उन्हें याद करता है अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए बिछड़ा कुछ इस अदा से रुत ही बदल गई बिछड़ा कुछ इस अदा से रुत ही बदल गई एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया ले आज का हमारा चैप्टर हुआ मुकम्मल तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होती है तब तक दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़